गुड आफ्टरनून गाइस, ऑटोविया के चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। एंड आपको एक बात बताना चाहूँगा। आज हमारे जो ब्रांच है ऑटोविया कार्सपा निकोल, उनको आज 8 साल हो गए हैं। हमने 9 मई 2016 को स्टार्ट किया था ऑटोविया कार्सपा, तो उसको आज हो चुका है 8 साल। तो उसकी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हम करेंगे शाम को, तो भी हम बताएंगे आपको। एंड दूसरा जो आज मेरे पास काम है उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। एक गाड़ी मेरे पास किया सेल्टो से, अभी वो थोड़ी पुरानी, मतलब 1-1.5 साल पुरानी है। उसके अंदर हम कर रहे हैं 9H सिरामिक कोटिंग, तो उसका काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा वो गाड़ी आज। एंड जो दूसरा काम है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा आज। किया सेल्टोस, इसके अंदर कर रहे हैं 9H सिरामिक कोट। अभी केमिकल का प्रोसेस चालू था, अभी केमिकल का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है इसके अंदर। एंड दूसरा मेरे पास अर्टिगा, अर्टिगा में है सिरामिक मेंटेनेंस कोट। ये गाड़ी थोड़े टाइम पहले सिरामिक की थी, तो अभी सिरामिक कोट के लिए आई हुई है। एंड दूसरी दो गाड़ियां है मेरे पास अभी। XUV 700, इसको हमने 2 2 साल पहले अंदर इंटीरियर में चेंजेस किया था। अभी सीट कवर के लिए आई है मेरे पास XUV 700। इसके अंदर हम लोग इंस्टॉल करेंगे सीट कवर। एंड ODI हमारे पास एक, उसके अंदर हमको करना है इंटेंसिव इंट्री क्लीनिंग। तो ये गाड़ी में करेंगे हम लोग इंटर क्लीनिंग। एंड अभी दूसरा एक गाड़ी भी किया सेल्टोस आ रहा है, उसके अंदर भी करना है हमको इंटीरियर सिरामिक कोट। आपको भी आपकी गाड़ी के अंदर इंटर क्लीनिंग कराना चाहिए। गाड़ी को 1-1.5 साल हो चुका है, तो आप उसको अंदर से पूरा डीप क्लीन करा सकते हो। डीप क्लीन कराने का फ़ायदा है, जो भी जर्म्स वगैरह कीटाणु रहेंगे वो हम लोग उसको सब रिमूव करते हैं अंदर से। जो बैड स्मेल आती है तो बैड स्मेल भी हम लोग रिमूव करते हैं उसके अंदर। तो आपको 6 या 8 महीने के बाद कभी भी एंट्री क्लीनिंग गाड़ी में कराना चाहिए, तो वो अपनी सेहत के लिए अच्छा है, तो आप करा सकते हो। हेलो गाइस, अभी ऑफिस से निकल के जा रहा हूँ मेरे वर्कशॉप पे। वहाँ पे जो गाड़ियों का काम है, एक इनोवा हम लोग बना रहे हैं टाइप 2 में से अल्फाड, जो टोयोटा की अल्फाड आती है, वो किट हम उसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो अभी वहाँ पे जाके मैं आपको वहाँ का भी मैं जो काम है वो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे क्या काम चल रहा है उसका। कि इनोवा में मोस्ट ऑफ पेंट हो चुका है, अंदर का इंटीरियर का जो भी प्लास्टिक पार्ट है वो सब पैनल वगैरह सब को हमने कलर चेंज किया है, मतलब मैट ब्लैक किया है हमने। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एंड अभी 6 बजे, 5:30 6 बजे सेलिब्रेशन करना है। आज 8वीं साल गिरा है ऑटोविया कार्सपा की। ऑटोविया कार्सपा को 8 साल हो चुके हैं। गर्मी बहुत है यहाँ पे अहमदाबाद में। अभी बाहर का टेम्परेचर 43 दिखा रहा है। पहुँच के मैं आपको बताता हूँ वहाँ का शेड्यूल। अभी कार केयर पे है, तो जो इनोवा का मैंने आपको बोला था, अंदर का पूरा कलर हो चुका है। फिर अभी लाइटें वगैरह इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। अभी आगे का बम्पर, पूरी गाड़ी
उसके हिसाब से इंस्टॉल कर लेंगे। तो अभी इनोवा का जो भी है मैं आपको पूरा डीप वीडियो मतलब हर रोज जितना जितना काम है उसके हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा। एंड आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी जो मैंने सुबह आपको बताया था कि जो 8 साल अभी कार्सपा को हुए है तो उसका सेलिब्रेशन करने वाला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। हेलो तो बोलो, हेलो तो बोलो सब। हेलो एसी बंद कर दो। इधर नहीं है भाई। अभी जो ये 8 साल का सेलिब्रेशन है सक्सेस सेलिब्रेशन कार्सपा का, आप इधर आ जाइए। हाँ आ जाता हूँ मैं। आप अभी वहाँ से नीचे, आप भी उधर रहे बीच में। ये हम तीनों ने स्टार्ट किया था कार्सपा आज ही के दिन, बट 8 साल पहले। हम तीन पार्टनर है, जमीन भाई, निकुल भाई एंड हितेश भाई। तो आज के दिन में जो किया था स्टार्ट उसको आज सक्सेसफुली 8 साल हो चुका है, और 8 साल के अंदर हमने दूसरा भी एक वेंचर चालू कर दिया है, मतलब दूसरा फ्रेंचाइजी हमारा ही जो सूरत में है पाल एरिया में, तो वहाँ पे भी ऑटो विया कार्सपा के नाम से ही है, तो वहाँ पे स्टार्ट किया है। लेट्स अभी करते हैं सेलिब्रेशन सक्सेसफुल 8 साल कार्सपा के। 8 साल हाँ, सबको बधाई। जो भी मेरे स्टाफ में है सबको बधाई, मेरे तरफ से मतलब दोनों पार्टनर की तरफ से सबको बधाई, सब कॉन्ग्रेचुलेसन। ये हमारा अकेले का मतलब एनिवर्सरी, मतलब कार्सपा ऐसा नहीं है कि हमारा अकेले की तरफ से चल रहा है, आप सब साथ में हो इसलिए चल रहा है। थैंक यू। चलो दे देंगे। तीनों हाथ लगाओ। हेलो रघु भाई, आई जाओ वाला अन्ना, आई जाओ क्योंकि आई जाओ वाला। अबे जगिया कर लेते बस। अबे आई जाओ छोकरा।